दोस्तों फाइनली सीबीएसई ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और आज बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, वहीं बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। दोस्तों कुछ बच्चों को रिजल्ट में ग्रेड मिला है तो ग्रेड से वो परेशान हो उठे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, हम समझें। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट में मिले ग्रेड का मतलब क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि फेल्ड एंड ई क्रेडिट या फिर एफ एंड ई क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको पुनः आप कंपार्टमेंटल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है दोस्तों आरटी का मतलब होता है रिपीटेटेड एग्जाम। अगर आप किसी लीगल वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, मान लो कि आपको बुखार हुआ था, आपने सूचना किया था तो आपने नहीं दिया था, तो आपको वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं जो आपने छोड़ा था, ठीक है। आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, एग्ज़ाम नहीं दे पाना, ये भी आरएल ही होता है। अब दूसरा आता है आरडब्ल्यू, रिजल्ट नहीं शो होना। जी हाँ दोस्तों, आरडब्ल्यू का मतलब होता है कि रिजल्ट किसी तकनीकी वजह से, किसी इशू वजह से आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। और इसके बाद आता है दोस्तों ई आर, इनिशियल रेस्ट, यानी पूरी तरह से आराम करें, फेल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट फेल्ड हो गया हो उसी के रिजल्ट में आपको ई आर देखने को मिलेगा। अब आता है डबल एक्स, मतलब भी यही होता है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही देना होता है, क्योंकि आप एक दो तीन सब्जेक्ट तक फेल हुए हैं तो आप पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं और उस किसी एक विशेष सब्जेक्ट में आप फिर से पास होने का चांस पा सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम इस तरह के भी वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।